ਨਾਲੀ राव जी क्या कहते हैं संबोधन कर रहे हैं लोगों से जो भंडार मची थी 123 के बाद राहुल गांधी यहाँ पर आज अलीगढ़ में खड़ा था। इसके बाद हाथरस राहुल गांधी पहुंचेंगे। आज सबसे पहले का जो कार्यक्रम है आज सुबह का 7 बजे का राहुल गांधी आगे पहुंचने वाले हैं लोगों से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। जाएंगे भाई, ऑटो ऑटो कर रहे हो, इधर जाएंगे ना। रुक जाओ भाई, रुक, बता रहे हैं ना अधिकारी, बता रहे हैं आपको। दो मिनट रुक जाइए, वीआईपी को इधर जाना है, आप आगे बिठा रहे हैं। इस तरफ से यही लो फटाफट भैया, फटाफट लो। अरे वहां चलो, चलो भैया चलो, चलो हो गया भाई, बाकी में परेशान नहीं, चलो आप जाओ बेटा, हो गया। सुबह भैया भाभी गए थे, वो बच्चे को ले गए थे साथ में, वहाँ आके 17-17 फिर समापन हो गया। फिर उसके बाद वही पता नहीं ऐसी क्या वो हुई, सोई बाकी तो बच गई मेरी भाभी और मेरा पति भी जाए, कैसे कैसे क्या मर गया मेरे ये नहीं पता। और फिर उनको बाबा को ये बता दी कि मेरे भक्त यहाँ मर गए, तो उन्हें लौट के देखना था, उन्हें कुछ भी नहीं देखा बाबा ने। मेडिकल में भी कोई सुविधा नहीं थी, अगर मेरी भाभी बच जाती ना, अगर सास थी, मेडिकल में भी कोई सुविधा नहीं थी। जब मैंने हॉस्पिटल में देखा जाकर तो सब लापरवाही हो रही थी उसमें। मेरा ही नाम छोटे लाल है, मंगलवार को गए भैया वहाँ, हमने सत्संग देखो 1:30-1:45 बजे समापन हो गया। जब समापन होता तो एकदम मेन गेट में थे, पब्लिक लिख दी है, तो एकदम वो पता नहीं कि रेला में भैया, तो एकदम रेला में जब लिख रही है तो एकदम नीचे दब गए। वो तो दिमाग में इनकी 60 में तुम बैठूंगी, बाइक स्टेशन बाकी स्टॉप होते ना, बाइक खड़ी कर देते हैं वहाँ, मैंने बाइक खड़ी कर रखी भैया वहाँ से, मैं बाइक निकाल के लिया। जब मैंने देखी कि अभी ना ही, फिर मैं भैया ढूंढते डोला, फिर भैया 2 घंटा बाद मेरे बेटा मिला पांडाल में सांड के पास में, वहाँ देख के भैया वहाँ में कछु ना। फिर बोले वहाँ के कछु सेवादार के भैया हम जा ले गए, मगर हम बचा ना पाए, अब तक खत्म हो गया। अभी मिल गया कि मम्मी और होगी कम भैया, बोले भैया यहाँ तो नहीं, मैं तभी समझ गया नहीं होती तो मेरे बेटा के पास बैठी रो नहीं होती भैया। हॉस्पिटल में सिकंदर राव भैया फिर भैया गचीना भैया, 6 साल का बच्चा मेरा, 4 लड़की 4 मेरी।